गंगा स्नान को गए पांच में एक की मौत, दो को बचाया, दो की तलाश में लगे गोताखोरों का दल। जिले में अलग अलग दो घटनाओं में गंगा स्नान को गए दो बच्चों समेत पांच लोग नदी में डूब गए, जिसमें से दो लोगों की जान बचा ली गई, एक का शव बरामद कर लिया गया, जबकि एक बच्ची समेत दो की गोताखोरों के द्वारा तलाश जारी है। थाना बारादरी के संजय नगर अशोक नगर में रहने वाले दन्नू का 20 वर्षीय बेटा कपिल अपने चाचा और फूफा के साथ कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने गया था। स्नान करते समय वह गहरे पानी की तरफ नहाने चला गया। गहरे पानी में जाने के कारण वह डूबने लगा। वहां मौजूद परिवार के लोगों ने तुरंत ही इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उसके शव को कुछ देर बाद गंगा से बरामद कर लिया। वहीं दूसरी घटना थाना फतेहगंज पश्चिमी की है। शाही थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर का प्रदीप उम्र 18 वर्ष पुत्र रामेश्वर दयाल फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के गांव भूलापुर में रामगंगा में स्नान करने गए, तभी अचानक प्रदीप अपने भाई के साथ गंगा में नहाते समय डूब गया। उसके भाई को बचा लिया गया। प्रदीप की गोताखोर तलाश कर रहे हैं। इसी तरह शाही थाना क्षेत्र के गाँव बहादुरपुर निवासी सूरजपाल की लड़की मानसी उम्र 7 वर्ष की डूबने से मौत हो गई। मासूम बच्ची मानसी को तलाश कर रहे हैं। मौके पर पहुंची फतेहगंज पश्चिमी थाना पुलिस, मीरगंज एसडीएम धर्मेंद्र कुमार, सीओ राजकुमार मिश्र, फतेहगंज पश्चिमी थाना प्रभारी राजेश सिंह पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। चौबारी और पिपरिया गांव से गोताखोरों को बुलाया गया। क्या नाम है आपका? सूरजपाल। गंगा नहाने आए थे आज सुबह, क्या घटना घटी, क्या हुआ था? लड़की का नाम था मानसी भाई। और कौन था उसके साथ? वो उसका भाई था। दोनों को पहले भाई को बचाने के चक्कर में लड़की को छोड़ कर मैं उसको बचाने चला गया, उसको बचा लिया और तब तक वो चली गई। तो उसके बाद में ढूंढने का प्रयास करा, नहीं मिली? हाँ, इन लोगों ने किया थोड़ा बहुत प्रयास। यहाँ से वहाँ तक गया नाव तक, तो बहुत देर में सुनी तो कुछ लोग आए। हाँ, प्रयास तो किया गया लेकिन पूरी तरीके से। अच्छा, तो उसके बाद में क्या नाम है, अभी तक क्या घंटे हो गए? 10:30-11 के बीच की बात है। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हो? ग्राम बहादुरपुर। इस समय कहाँ, गांव में रहते हो या कहीं? नहीं, फतेहगंज में रहता था। अच्छा, किराए पे? किराए पे। बेटी हो, बेटे कहे हैं आपके? 3 बेटे हैं, 1 बेटी थी। अकेली बेटी थी? हाँ, सबसे छोटी बेटी थी। तो क्या लोग आए थे मेले? हम 3 ही लोग आए थे। पढ़ रही थी बेटी? हाँ, पढ़ रही थी, सेकंड क्लास में। कहाँ पे? नवी पब्लिक स्कूल फतेहगंज में ही। हाँ। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा? बेटा एक फर्स्ट ईयर में, वो 11वें में, और दो सिक्स में। ये वाला क्या नाम था बेटे का? लविस वर्मा। लविस वर्मा। बच्चों के डूबने की जानकारी मिली है, क्या उसमें लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सुबह हमें 11 बजे सूचना मिली थी, 11:15 के आसपास। उससे जब से ही लगभग 20 गोताखोर लगा के और नाव लगा के उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, और अभी बाहर से भी गोताखोर बुलाए गए हैं, क्योंकि यहाँ के गोताखोर 3-4 घंटे से ढूंढने उनको नहीं मिल पा रहा है, और भी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं जिससे जल्दी से जल्दी इनको ढूंढा जा सके। यहाँ से लोकल गोताखोर होंगे? लोकल आसपास के जो गोताखोर थे, गांव प्रधान है, उन्हीं के द्वारा 20 गोताखोरों को यहाँ पर लगाया गया था उसकी व्यवस्था में, और यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी भी कल रात से ही लगातार लगी हुई है और लगातार प्रयास जारी है। अच्छा, जो बाहर से गोताखोर बुलाए गए हैं वो किस समय तक आने की संभावना है? अभी वो बता रहे हैं कि 10-5 मिनट की दूरी पर ही है गांव के बाहर, जो आ गई है, एक टीम आ भी गई है यहाँ पे, अभी 5 मिनट में काम चालू हो गया। अच्छा, प्रशासनिक क्या तैयारी थी यहाँ पर? प्रशासनिक यहाँ पे 2 दिन पहले दौरा किया गया था, पूरी जाँच पड़ताल की गई थी, और ग्राम प्रधान और ग्रामवासियों के साथ में इसमें बैरिकेडिंग कराई गई थी। पर ये घाट लगभग 4-5 किलोमीटर लंबा है, तो जहाँ पे व्यवस्था की गई थी वहाँ से भी अलग लोगों ने, जहाँ उनको रास्ता मिला, जिस गांव के सामने नदी पड़ती है वहाँ लोगों ने अलग जाके नहाना शुरू कर दिया। तो 4-5 किलोमीटर लंबा ये लगभग स्ट्रेच है। तो ये जो घटना हुई है, यहाँ पे एक पिता जो है, जहाँ भीड़ नहा रही थी, यहाँ व्यवस्था जिसकी कराई, श्रद्धालुओं के नहाने की व्यवस्था कराई गई, वहाँ से काफ़ी दूर जाके, लगभग 1 किलोमीटर दूर जाके दो बच्चों के साथ नहा रहे थे। तो उनके जब बच्चे डूबने लगे तो उन्होंने लड़के को तो बचा लिया, लड़की का हाथ उनसे छूट गया। उसके बाद जो आसपास उन्होंने आवाज़ लगाई तो 2-3 लड़के भाग के उसे पकड़ने के लिए बच्ची को गए, उनको भी शायद तैरना नहीं आता था। जी जी। तो नाव ने उनमें से 2 लड़कों को बचा लिया। अच्छा। और ये सोचते हुए कि सबको बचा लिया गया है,
पीछे एक बच्चा और एक बच्ची छूट गई, उन्हीं को ढूंढा जा रहा है। सर उसका क्या नाम है जो रह गया, वो क्या नाम जो बचाए गए थे? बच्ची मानसी वर्मा है जो डूब गई है, उसके पिताजी यहीं पर हैं और एक लड़का है, दोनों शाही थाने के हैं। धन्यवाद।